गुजरात के गोधरा कांड यानी साबरमती एक्सप्रेस में आगजनी के मामले में 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 दोषियों को जमानत दे दी है। ये सभी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। अदालत ने इन दोषियों को 17-18 साल जेल में बिताने के आधार पर जमानत दी है। इन दोषियों को निचली अदालत और हाईकोर्ट से उम्र कैद की सजा मिली थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 4 दोषियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। 4 दोषियों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि फांसी की सजा पाए 4 दोषियों को छोड़कर बाकी दोषियों को जमानत दी जा सकती है। गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बोगी को बाहर से बंद कर आग लगा दी गई थी। आगजनी की घटना में महिलाएं और बच्चे समेत 59 लोगों की मौत हुई थी। तुषार मेहता ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी भूमिका सिर्फ पथराव तक ही सीमित थी, मगर जब आप किसी डिब्बे को बाहर से बंद करते हैं और उसमें आग लगाते हैं और फिर पथराव करते हैं तो यह सिर्फ पथराव नहीं है।